हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी आर्ट एंड स्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ कॉफ़ी आर्ट शेयर करने वाली हूँ। यस, कॉफ़ी आर्ट। इसमें मैंने कॉफ़ी को एज अ कलर यूज़ किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉफ़ी आर्ट बनाने के लिए मैंने लिया है A4 ड्राइंग शीट। इसको मैंने मास्किंग टेप से बॉर्डर बना लिए है। सेकेंड मैंने लिया है ब्रशेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। उसके बाद लिया है पेंसिल एंड इरेजर टू मेक अ डिज़ाइन, बेसिक डिज़ाइन ऑन माय शीट। एंड मेन इंग्रेडिएंट कॉफ़ी एंड वाटर। मैंने ड्राइंग शीट पे अपना बेसिक डिज़ाइन बना लिया है। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी विद कॉफ़ी। हमें कॉफ़ी से हम कैसे शेडिंग कर सकते हैं, हम इसके मल्टीपल शेड्स बना सकते हैं। अगर हमें लाइटर शेड लेना है, हम उसमें क्या करेंगे कि कॉफ़ी को कम लेंगे एंड पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा लेंगे। कॉफ़ी एंड पानी को मिलाते हुए आपको एक पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है कि कॉफ़ी पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जानी चाहिए, मतलब अच्छे से खुल जानी चाहिए। उससे आपका जो पेंटिंग का आउटपुट है बहुत अच्छा निकल कर आएगा। एक और बात का फोकस करते हैं कि हम हमेशा जो आर्ट है, कॉफ़ी आर्ट है, वो हमेशा हम अपने लाइटर शेड से स्टार्ट करते हैं, ना कि डार्कर शेड से। सबसे पहले हम लाइटर शेड से अपना एक बेस प्रिपेयर करेंगे। देखिए, मैंने अपना बेस प्रिपेयर कर लिया है कॉफ़ी के लाइटर शेड से। ये मेरा सेकंड स्टेप है जिसमें मैंने कॉफ़ी का एक डार्क शेड लिया है, जिसे मैं अपने स्काई की फिलिंग करूँगी और बॉटम पार्ट सी की फिलिंग करूँगी।
कॉटन यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा कलर एब्जॉर्ब करने के लिए। कॉटन से थोड़ा क्लाउडी टेक्सचर भी आ जाएगा एंड एक्स्ट्रा जो वाटर था या कॉफ़ी था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप टिश्यू पेपर या क्लोथ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी लेयर्स कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे आप कॉफ़ी का शेड डार्क करते जाएंगे। उसमें क्या होगा कि जो रेशो होगा वो 3:1 से 2:1 हो जाएगा, देन 1:1 हो जाएगा, देन 1/2:1 हो जाएगा, लाइक दिस। मतलब पहले आप थ्री ड्रॉप ऑफ वाटर एंड 1 ड्रॉप ऑफ कॉफ़ी, देन 2 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ कॉफ़ी, देन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ कॉफ़ी, देन 1/2 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ कॉफ़ी। ऐसे हम अपने शेड्स को डार्क करते रहेंगे और अपनी पेंटिंग कंप्लीट करेंगे।
दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं कॉफ़ी ऐड कर रही थी तो जो कॉफ़ी की खुशबू थी ना वो इतनी अच्छी थी कि उसने मेरे आसपास के माहौल को बहुत पॉजिटिव कर दिया था, मुझे बहुत एनर्जेटिक हो गया था, लाइक मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था कॉफ़ी ऐड करने। हो सकता है मेरी ये कॉफ़ी ऐड उतनी अच्छी नहीं बनी हो, बट मैंने उसको करते हुए बहुत इन्जॉय किया। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कॉफ़ी ऐड, और बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा।
देखिए दोस्तों, ये मेरी आर्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये गीली है, जैसे ही ड्राई हो जाएगी मैं इसकी मास्किंग टेप उतार दूंगी, जिससे बहुत नीट एंड क्लीन एक बॉर्डर आपका बन जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए कि आपको ये आर्ट करते हुए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ। बाय बाय।